देखिए पत्ता सब तोड़ लेते हैं, इसी की सब्जी देखिए। हमारा हो चुका है, पूरा पानी भी सूख गया हमारा पूरी तरह से एकदम बढ़िया से एकदम रेडी है। अब इसको पीस से पीस काटना पड़ेगा एकदम। हमारी अरबी पत्ते की पकौड़ी है जब इसमें हम डालेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। अभी देख रहे मौसम कितना हार्ड धूप किया हुआ है, बहुत गर्मी है। सुबह सुबह का मौसम है। अभी देखिए नंदिनी क्या कर रही है, चूल्हे पे खाना बना रही है। आपको तो पता ही है हमारा गैस तो अभी नहीं है। ऐसे भी नंदिनी ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनाती है, लेकिन धूप ज़्यादा होने से ना थोड़ा दिक्कत होता है। जब तक ऊपर छत नहीं आएगा जब तक तो ऐसी गर्मी रहेगा दोस्तों। उसी में नंदिनी अपना लगी है। गैस का दाम भी बढ़ गया है। हाँ गैस का दाम तो है ही, तो इसलिए सोच रहे हैं कि एक टेम्पो हम लोग लकड़ी की रहे। अरे बाप रे, लकड़ी में बनाएगा खाना फिर? बस एक तो झोपड़ी अपना पहले, अपना घर बनेगा वहाँ करते रहना जितना कुछ करना है। अपना तो घर नहीं है दोस्तों, जहाँ धुआं धुआं करेंगे फिर सुनना पड़ सकता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं। अपना होगा तब सब ज़्यादा देखेंगे। तभी देख ही रहे कितना धूप हार्ड है, मेरा तो आँखें नहीं खुल रहा है, इतना कड़ा धूप है। अभी सुबह बना रहे भात चावल बनाएंगे, और हमारा यहाँ जो बोले थे बनाएंगे कच्ची पत्ता होता है ना अरवे के पत्ते की सब्जी बनाएंगे दोस्तों। अभी कितना स्वादिष्ट बनाएंगे, अभी चूल्हा पे तो और टेस्टी लगेगा। चूल्हे पे बनेगा सारा कुछ, क्या करेंगे। आ जाएंगे देखेंगे शाम को, मतलब शाम को यहाँ से किसी को भेजेंगे छोटा वाला गैस भरवा के रख। हाँ, छोटा वाला गैस सही रहेगा उसमें। 5 लीटर वाला जो हम लोग पहले बहुत पहले हम लोग बनाते थे उस पे, मतलब जब हम का पास कुछ नहीं रहता, छोटा गैस खरीद के लाए थे पहले हम। कितने में लाए थे जी? 550। हाँ उसी में बढ़ा लेंगे 1 किलो। गुल्लू का दूध उध गर्म करने में थोड़ा दिक्कत होता है, रोटी जैसा होता है ना बाबू का, तो शायद रात में उसका खाना एक दो रात में तो खाता है रोटी, इसीलिए तो आराम से सेक लेंगे उसमें रोटी एक दो आज रोटी। देखिए मेरा चूल्हा भी बहुत अच्छा आज चूल्हा कल से जल रहा है, कल तो जलाए थे आज भी जला दिए, पर आज अच्छा से जल रहा है ना, कल जैसा नहीं जल रहा है। बहुत धुआं हो रहा है, एक ही बार में जल गया। हाँ एक ही बार में मेरे जल गया, आदत हो गया ना अब इसको। अभी सोचने लगे कि अब नंदिनी का साथ दे रहे हैं, नहीं तो नहीं साथ देंगे तो नंदिनी भाग जाएगी। तो चलिए अभी तो अपना भात बन रहा है दोस्तों, उसके बाद अरबी का सब्जी बनेगा, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, एकदम टेस्टी सब्जी बनने वाला है। और घर पे तो सब्जियाँ भी नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब सब्जी लाए ही नहीं है घर में, मतलब मार्केट गए ही नहीं तो सब्जी भी नहीं आया हमारा। तो ही हम जाएंगे सब्जी अभी कुछ, मतलब जो आपको बताया ना अरबी के पत्ते के, तो ही वहाँ पे देखे हैं चाची के घर पे, तो ही जाएंगे। अभी जा रहे हैं तोड़ के लेके आएंगे, तो उसी का सब्जी बनाएंगे दोस्तों, अरबी के पत्ते की सब्जी। आपको तो बोले तो कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा हमको, तो ही जा रहे हैं लाने के लिए। यहाँ भी है, मतलब यहाँ पे ना, मतलब एक ठो होता है ना जंगली वाला रहता है, एक ठो देसी वाला रहता है, दो उसमें है। तो ही जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अंदर है कादा में है, तो उसी को लेने जाना हमको। तो ही जा रहे, जल्दी तोड़ लेते हैं हम भी, जाते नहीं इतना तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा। और उधर हमारा भात भी चढ़ा है, आपको दिखा रहे कि किधर है हमारा, ये देखिए इस तरफ है, पत्ता दिखाई दे रहे ना दोस्तों आपको, बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं हम कि वही पत्ता है ना, उसी को तोड़ना हमें। देखिए इधर से पार हो के इधर कादा भी है इसी तरह, मतलब लल्ली में नहीं है, मतलब पानी इधर आता है ना वही वाला है, यहाँ पर रोपा हुआ है, मतलब कोई रोपे हैं। तो ही हम जा रहे थोड़ा तोड़ने के लिए, जा रहे पत्ता तोड़ने के लिए। देख सकते इतना काफ़ी अच्छा अच्छा पत्ता है, देखिए ज़्यादा नहीं इसमें से तोड़ेंगे, कुछ नहीं लगा रहा। अपने डर लगता है, इधर जंगल है ना पूरा, देख सकते कितना जंगल है यहाँ पे। वही अभी पत्ता सब तोड़ेंगे, मतलब तोड़ेंगे अभी। ये देखिए पत्ता सब तोड़ लेते हैं, इसी की सब्जी देखिए, अभी और तोड़ेंगे। अच्छा अच्छा पत्ता तोड़ लेते हैं, और काफ़ी इधर डर भी लग रहा है, देख सकते कितना कादा का इधर तो और डर लग रहा है। देखिए इतना तो हमारा हो ही जाएगा, देखिए काफी जंगल, इतना डर लग रहा है ना कि सांप पा जाएगा, इतना मतलब हमारा हो जाएगा, मतलब एक दो रोल हो जाएगा ना, मतलब एक दो बंडल जैसे, मतलब मोरू के बन के, तो इतना में हमारा तो हो ही जाएगा, और दो आदमी तो है,
और बेसन तो हमारा नहीं है, बेसन थोड़ा सा है, तो उसमें क्या किया ना हम चना दाल भिंगा के रख दिए हैं, क्यों भिंगा भीग जाएगा ना, तो पूरा उसको मिक्सी में पीस के उसके बाद उसी का पेस्ट बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इसको अब जा रहे घर पे, धो के रखते हैं हम इसको। देख सकते हैं हम इतना चीज़ हमारा मसाला में भी निकाल लिए हैं, देख सकते हैं सारा निकाल के, काट के पहले से रखी है नंदनी, काट उठ के रख लिया, हमको बनाना था कि सब्जी है नहीं घर पे, तो हम सोचे थे ये देखिए पत्ता धो के अभी रखेंगे, धो धो के, और देखिए गंद मतलब यहाँ पे ना किनकिन है तो थोड़ा लग ही जाता है, और हमारा तो बेसन खत्म हो गया, तो बताएं ये थोड़ा सा बेसन है देखिए, थोड़ा सा में क्या तो पीस लेंगे चना को, हो जाएगा पीस लेंगे ना तो हो जाएगा पेस्ट बन जाएगा, तो इसको पीसना है और ये मसाला को पीसना है बस, और कुछ नहीं। मसाले में ज्यादा नहीं है ना, क्या क्या है, लहसुन है, मिर्चा है, सरसों है, आदि है, और तो धनिया और जीरा पिसा हुआ है, तो उसको पीसने की दरकार नहीं, बस इतना पीसना है, दोनों को पीस के ला दीजिएगा। तो अरबी के पत्ते को पहले धो लो, धो लेते हैं, तो गुल्लू आके बैठ गया है ना, गुल्लू बैठ गया पहले वहाँ का आगे में देख रहे, वो भी देखेगा क्या बन रहा है। आज सेठ सिंह पहले से एकदम नहा धो के एकदम रेडी है, एकदम पूरा रेडी होके एकदम बालू सब झाड़ दिए, हमें इसको नहलाया है, तो आप ही नहलाएंगे, स्मार्ट बना दिया आज गुल्लू को नहला धुला के, देख रहे ना देते गुल्लू, इधर हाय बोलो गुल्लू, गुल्लू इधर, गुल्लू गुल्लू इधर, भात अब हो जाएगा थोड़ा सा बचा, नहीं कुछ बोलेगा बेटा नहीं बोलेगा ना, पत्ता में तो लगता ही नहीं है कि पानी, पानी लगता नहीं लेकिन हाँ धोवा जाएगा ना जो भी रहेगा पानी, उसको आपसी निकालते रहा पानी, देखो कैसे बन जा रहा मोती जैसा पानी, पानी इसमें रहता नहीं है, सरक जाता तुरंत, वो भी देसी वाला है ना, हाँ बाकी तो जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना पूरा वो सही नहीं रहता है। भात उतिया रहा है, बाप रे बहुत गर्म है ढक्कन, इतना धूप है नहीं, बाप रे गुल्लू आप तो चले जाओ घर में रहो, गुल्लू जी भी जहाँ मैया रहेंगे वहाँ गैया रहेंगे, जहाँ मैया रहेंगे वहाँ बछड़वा रहेंगे। अबे इमली का पानी है थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए, भात भी हो गया, ये तो देखते हैं हो ही गया भात लग रहा है, थोड़ा सा आप तो देख लिए क्या क्या लगे मसाले में, सारा कुछ बता दिए, बट डिटेल में सारा कुछ नहीं बता पाएंगे ना, देखते हैं इतना गर्मी है, अगर उतना कुछ बता रहे बहुत लेट हो जाएगा, और इतना गर्मी में कौन रह रहे हैं आप, दोनों पीस के ला दीजिए, जब कुछ करते हैं ना तब इतना गर्मी रहता है, दोस्तों ऐसे नहीं रहता गर्मी, चलिए इसको पीसना है ना खाली, इसको भी नीचे वाला कौन सा चला, चलिए दोस्तों हम इसको पीस के लेके आते हैं, हमारा भात भी हो गया है देख सकते हैं, मतलब पूरा ये अभी हमारा बेसन भी तैयार नहीं हुआ है, तब तक हम पसाव सा के रख लेते हैं, आगे इसको देख रहे कितना आगे है, चल देखिए यहाँ ही कैसे पसाएंगे इसको, आगे साइड से जो काला काला लग गया ना देखिए, आज आज आगे भी जलेगा, कल तो मेरे इतना ड्रामा हो रहा था, अब पसा तब तक इसमें रोटी बना लेते हैं, चल मास्टर इसको पसा उसा के, रोटी क्या पे बना रही है नहीं नंदनी, क्या रोटी बना रही कढ़ाई में, क्या बताओ सांबर आगे खाली जा रहा है, कढ़ाइया चढ़ाए तो झुरमुट का गंदा हो जाएगा, ज़्यादा बर्तन तो हम ही को धोना पड़ेगा, धुआं भी बहुत हो रहा है ना, और रोटी भी बन बन के कितना अच्छा अच्छा निकल रहा है, मसाला में यही दिए हैं देख सकते जो है यहाँ पे, बाबू मेरा इतना रो रहा था ना कि हद से ज़्यादा, बहुत परेशान कर रहा था गुल्लू, इसीलिए हम लोग इसको उधर रखे हुए हैं, उधर खेल रहा अभी, और इसी तरह से देखिए लगा रही है नंदनी सब पत्ते पे बेसन, वो भी घर के पीसा हुआ है पूरा, अपना चना दाल का पीसी है नंदनी, प्योर प्योर बेसन है हमारा घर का भी, अभी पूरा मस्त लग रहा है देखने में, फिर जब बनेगा तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों,
काफ़ी टेस्टी बनेगा दोस्तों खाने में, देख सकते हैं। इसी तरह से हमें सबको जल्दी जल्दी, और हमारा पानी भी खोल गया है। देखिए नंदिनी पूरा रोल कर दी है बढ़िया से एकदम, फिर से खोलो। हाँ डोरा से बांध देगी, काला डोरा लाई है। एक ही रोल हुआ हमारा। हाँ तो क्या होगा, एक रोल में दो आदमी में कितना खाएंगे? बेसन ही नहीं था तो हम लोग जितना हुआ, आइए है ना, फूला ही नहीं है चना, कुछ आधा फूला आधा नहीं फूला, तो इसलिए हम लोग नहीं बना पाए, एक ही को बना। कोई बात नहीं, हम लोग तो एक ही आदमी है ना, दो आदमी। गुल्लू तो खाता नहीं है। हाँ अभी गुल्लू नहीं खाता है, तब तक गुल्लू जब खाने लग जाएगा। दिन भर बोला धूली मट्टी में खेलने के लिए, बस सिरमिट दिखना चाहिए, बालू दिखना चाहिए, दिन भर खेलने लगी होगी। बहुत छोटा बना इस बार, लीजिए बड़ा कर दिए। बहुत छोटा है लेकिन। नंदिनी देखिए पूरा रो रही है, पूरा आंसू आंसू हो गई है बेचारी, चूल्हा में खाना बनाते। गुल्लू को तो मजे आ रहा है, देखिए चूल्हा ठीक ही जल रहा था, पता नहीं क्या हो जाता चूल्हा। वो देखो गुल्लू बैठ गया कहाँ, तुम भी पकाएगा रे, तुम भी बनाएगा बेटा। गुल्लू भी यार देखो रो रहा है, गुल्लू भी रो रहा है। हाँ मैं आंसू में आंसू आ गया, तुम क्यों रो रहा, चलो घर में रखो तो जाते ही नहीं मेरे को, तो क्या करे। चलिए अभी इसको पूरा 10 मिनट तक सो रहेंगे तो पक जाएगा, तब तक ये सब है ना जो हटा देते हैं। अब हमारा हो चुका है, पूरा पानी भी सूख गया हमारा, पूरी तरह से हो गया हमारा। अब निकलेगा इसको पीसे पीस, फिर काटना मछली के जैसे। देखिए पूरी तरह से एकदम बढ़िया से एकदम रेडी है, अब इसको पीसे पीस काटना पड़ेगा एकदम, एक एक आधा आधा इंच जितना चौड़ा चौड़ा काटेंगे। चलिए अभी इसको नंदिनी काटेगी आराम से। धागा किस तरह से निकल रहा है देखिए, जैसे रोल किए थे ना, धागा बहुत ही लंबा बनी है, ऐसे निकलना है देखिए। तो धागा पूरा एकदम टाइट बैठा है, एकदम कटेगा एकदम मस्त टाइप में, देखना चाकू हमारा है देखिए। अभी तो गर्म है ना, सही ना, तो थोड़ा गर्म है, थोड़ा से रात है ना, दो ठंडा होगा तो अच्छा रहेगा। खाली हो देख रहे, तेल गर्म है। हाँ वो भी सही है, चलो जल्दी जल्दी काट लो, अब फिर नहीं तो चूल्हा मुन जाएगा ना, तो फिर दिक्कत है। सही बोल रही हो, ये देखिए फिर भी ठीक कट रहा, सही है कट रहा है, बस पूरा ठंडा हो जाने से ना अच्छा अच्छा से कटता है। नंदिनी तब तक तेल दे देते हैं, सब्जी भी बन जाएगा और हमारा छना भी जाएगा। तब तक हम एक एक को इसको दे देते हैं, इसको भी काट के दे देते हैं। एक बार में सब हो जाएगा ना, ज्यादा तो है भी नहीं, वो तो किया कट भी किया बढ़िया, हमारा इधर छनाना भी स्टार्ट नहीं, लेकिन बहुत मेहनत कर रही है, इतना गर्मी में भी लगी हुई है। अब इसको थोड़ा डीप फ्राई करना होगा फिर हो जाएगा हमारा तैयार, फिर मसाला ना भी खा सकते हैं ना जी। हाँ पकौड़ी समझ लीजिए यार, क्या फ्राई कर दीजिएगा तो पकौड़ी हो जाएगा, अरे क्या। अब इसको हम लोग तो सब्जी बनाएंगे, इसमें प्याज काट के सारा कुछ है अभी कटा हुआ हमारा, मसाले भी हैं इधर ही, मसाले रखे हुए हैं सारे कुछ है। अभी इसको पहले फ्राई करके निकाल लेंगे फिर सब्जी बनाएंगे। ब्रांड भी हो गया है, आगे बहुत हार्ड है लग रहा है ये ना, सिर्फ काम सब कुछ कर लीजिए जल्दी, बस सब चीज तैयारी कर लीजिए उसके बाद बनाइए चूल्हा पे, आपका एक डेढ़ घंटा में खाना आपका बन के तैयार। तो देख सकते हैं फ्राई करके निकाल दिए हैं, अब वही तेल में हमारा बनेगा। किन 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 मेरा गुल्लू और सब्जी बना देगा बढ़िया से। ये लड़का मेरा बहुत बदमाश है, अचानक से कहीं से भी आ जाता है, हम लोग कहीं से घूमते फिरते नहीं बेटा इधर नहीं नहीं, देखिए आप नहीं गुल्लू नहीं नहीं। अभी देखिए प्याज व्याज डाल दिए, जीरा और प्याज और मिर्चा भी डाल दिए, तुम अपना आगे बैठा लो देखो बैठ जाएगा, चला ना छोड़ने से। देख गुल्लू का मुंह देख, उसका धुआं लग रहा है इसलिए वहां नहीं रहेगा, छोड़ दो उसको जाने दो, छोड़ दो गुल्लू को,
तुमको भी लग रहा है ना? अच्छी उसमें प्याज मिर्चा जीरा जीरा डाली है, तो टमाटर भी डालेगी ना, अभी डालेगी ना? हाँ अभी डालेंगे। बोलो। ये देखिए हमारे मसाले, देखो इस तरह से आगे होगा। बाप रे नंदनी, खाना बना रही कि आग लगा रही, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा होता है क्या? ऐसे खाना बनता है? इतना गर्म हो गया था पूरा। बताइए दोस्तों, तो आप चूल्हा में भी आग लगा दी? जो धनिया लाल मिर्च है वो सब भी दे देते हैं। अब हमको डर लग रहा है यहाँ पे। अब इसको भी भूंजना है। आशीष जी तो दूर चले गए डर के मारने। अब टमाटर भी दे दे रहे हैं। आग लगा दे रही हम, कहीं आग लग गया तो बेचारा को डर लग गया। अब हम भी जल्दी यहाँ से बनाएंगे और जल्दी जल्दी खाएंगे दोस्तों, बहुत जोर। आप लोगों को भी खिलाएंगे हम। नमक दे दे रहे अपने हिसाब से। दोस्तों हमारा मसाला पूरा रेडी हो गया, एकदम बढ़िया से लाल करके भुंजा गया है। अब इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा करके भूंजेगी। भुंजा गया है मैंने जर मसाला। चलिए, बहुत ही सेंट तो बहुत गजब आ रहा दोस्तों। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद इतना काम हुआ हमारा, सोच ही सकते। बहुत टाइम लगा। देखिए पकौड़ियाँ सब कितनी अच्छी है, इसको पकौड़ी समझ के भी खा सकते हैं आप। मस्त लगता है। नहीं हम तो सब्जी खाएंगे, सब्जी अच्छा लगता है। तो हम पानी दे के डबकने दे दिए मसाला को अच्छी तरह से भूंज के। और जो हमारे अरबी पत्ते की पकौड़ी है जो अभी इसमें हम डालेंगे, एक हम ऐसे खाएंगे खाएंगे और बाकी सब इस पे दे देंगे। आराम से पूरा एकदम अच्छी तरह से खोल जाएगा ना, तब हमें देंगे। और एकदम थोड़ा सा हो गया खोल कर, अब हम इसमें अपने दे देते हैं अरबी पत्ते की पकौड़ी। तो फ्रेंड इसको ढक कर 10 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हम इसे उतार देंगे। चलिए दोस्तों, हमारा खाना तो निकल गया। आप देख सकते हैं बन के पूरी तरह से रेडी हो गया। सेंट तो बहुत ही गजब आ रहा। गुल्लू के लिए दूध रोटी है, अपना दूध रोटी खाएगा? खाएगा ना? नहीं खाएगा, भाग रहा है। देखिए कहाँ भाग के जा रहा है। कपड़ा इतना चेंज करता है कि आज कपड़ा 3-4 को चेंज कर दिया है दोपहर तक में। ठीक है मत खाओ, इतना गुमान में ही है। पकड़ के लेके आ गए हैं, अभी यहाँ बैठेगा और खाएगा। बहुत बदमाशी करता है, कहीं नहीं भागेगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा हमारा अरबी का सब्जी? जरूर बना के आप लोग भी ट्राई मारिए, बहुत ही अच्छा बनता है उसका सब्जी। घर पे नहीं था बेसन उसन कुछ भी, फिर भी जुगाड़ किस तरह से जुगाड़ लगा के नंदनी जी आखिर में बनाई थी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग खाते हैं, आप लोग पहले खा लीजिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा हमारा वीडियो को। जरूर देखिएगा दोस्तों, हमारा वीडियो को अच्छा लगा हो तो दिल से धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।